हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव अटैक्स की कि साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो पैसिव अटैक के बारे में तो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि एक्टिव अटैक्स क्या होते हैं और कैसे वो जो साइबर क्रिमिनल है एक्टिव अटैक को परफॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट वी राइट एक्टिव अटैक्स। देखिए, एक्टिव अटैक क्या होता है कि एन एक्टिव अटैक इन्वॉल्व्स प्रॉबिंग द नेटवर्क टू डिस्कवर इंडिविजुअल होस्ट टू कंफर्म द इंफॉर्मेशन लाइक आईपी एड्रेस, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप, वर्जन एंड सर्विसेज ऑन द नेटवर्क गैदर्ड इन द पैसिव अटैक फेज। ठीक है, एक्टिव अटैक क्या करता है, ये टेस्टिंग करता है जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है पैसिव अटैक के दौरान, किसी भी नेटवर्क का आईपी एड्रेस, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वर्जन क्या है, सर्विस कौन कौन सी नेटवर्क पे अवेलेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है या जो भी इंफॉर्मेशन साइबर क्रिमिनल्स गैदर करते हैं पैसिव अटैक के दौरान, उसको वो प्रॉब करते हैं, टेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द एक्टिव अटैक्स। ठीक, इट इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ डिटेक्शन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड रैटलिंग द डोर नॉब्स और एक्टिव रिकनिजेंस। तो इसमें क्या होता है कि जब ये टेस्टिंग करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो इट इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ डिटेक्शन एंड इसीलिए इसको दिस स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड रैटलिंग द डोर नॉब्स। ठीक, या इसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं एक्टिव रिकॉनिजेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्टिव रिकॉनिजेंस कैन प्रोवाइड कंफर्मेशन टू एन अटैकर अबाउट सिक्योरिटी मीजर्स इन प्लेस। तो एक्टिव रिकॉनिजेंस क्या करता है, ये अटैकर को कंफर्म करता है, कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है कि क्या सिक्योरिटी मीजर्स जो है, जो हमारा टारगेट प्लेस है वहां पे लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फ्रंट डोर इज लॉक्ड और नॉट। ठीक है, वेदर द सर्वर रूम इज लॉक्ड और नॉट। तो इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्टिव रिकॉनिजेंस जो है कंफर्म कर देता है। बट द प्रोसेस कैन ऑल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ बीइंग कॉट और रेज ए सस्पिशन। लेकिन ये जो एक्टिव अटैक वाला काम है, इसमें ये जो है रिस्क, जिसे कहते हैं ना, पकड़े जाने का रिस्क जो है बढ़ जाता है, और या कोई आपके ऊपर संदेह करने लगे या किसी को आपके ऊपर शक हो जाए, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जब तक हम बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ टूल्स की विच आर यूज इन एक्टिव अटैक्स। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग एक्टिव अटैक्स, यूज ड्यूरिंग एक्टिव अटैक्स, जब हम एक्टिव अटैक कर रहे होते हैं, जब साइबर क्रिमिनल एक्टिव अटैक कर रहे होते हैं, उसमें उनको किस टूल की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो अब जैसे हम बारी बारी से आपको टूल बता देते हैं और उनकी एक ब्रीफ ब्रीफ जो है डिस्क्रिप्शन बता देंगे कि क्या काम करता है। जैसे फर्स्ट हमने बात किया कि एरफाउंड, ARPHOUND। ठीक, ये एरफाउंड टूल जो होता है, ये क्या करता है, दिस इज अ टूल दैट लिसेंस टू ऑल ट्रैफिक ऑन इथरनेट नेटवर्क इंटरफेस। इट रिपोर्ट्स आईपी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस पेयर, एज वेल एज इवेंट्स सच एज आईपी कॉन्फ्लिक्ट, आईपी चेंजेस एंड आईपी एड्रेसेस विद नो रिवर्स डीएनएस, वेरियस एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP स्पूफिंग एंड पैकेट्स नॉट यूजिंग द एक्सपेक्टेड गेटवे। तो ये जो अरफाउंड टूल है वो ये सारे काम करता है। ठीक है, कि दिस इज अ टूल दैट लिसेंस ऑल ट्रैफिक ऑन एन इथरनेट नेटवर्क इंटरफेस। ठीक, और ये तो हो गया इसका डिस्क्रिप्शन।
बाकी है कि ये कहाँ पे मिलेगा, तो दिस इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इसको इजीली फाइंड आउट करके नेट पे और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आपको ज़रूरत होगी तो आप बताइएगा, इसका जो वेब लिंक है या जो चीज़ें हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक, सेकेंड जो टूल है आपका, दैट इज आरपिंग, ARPING, आरपिंग। ये क्या होता है कि दिस इज ए नेटवर्क टूल दैट ब्रॉडकास्ट ARP पैकेट्स एंड रिसीव्स रिप्लाईज सिमिलर टू पिंज। तो जैसे पिंज में हम लोग क्या करते हैं कि जो ब्रॉडकास्ट पैकेट है उसकी जो रिप्लाई है वो मिलती है, ऐसे दिस इज ए नेटवर्क टूल दैट ब्रॉडकास्ट ARP पैकेट्स एंड रिसीव रिप्लाईज सिमिलर टू पिंज। इट इज गुड फॉर मैपिंग ए लोकल नेटवर्क एंड फाइंडिंग यूज्ड IP स्पेस। इट ब्रॉडकास्ट हु हैज़ ARP पैकेट ऑन द नेटवर्क एंड प्रिंट्स आंसर्स। इट इज़ वेरी यूजफुल व्हेन ट्राइंग टू पिक एन अनयूज IP फॉर ए नेट टू विच राउटिंग डज नॉट एग्जिस्ट एज येट। तो कोई अनयूज अगर आपको IP एड्रेस उठाना हो नेटवर्क से, तो उसके लिए ये जो आरपिंज टूल है ये सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक, इसको भी अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो दिस इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप कंसर्न लिंक पे जाइए, जैसे www.hamet.pp.ac से, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो टूल है दैट इज बिंज। ये क्या होता है कि दिस इज यूज फॉर बैंडविथ पिंज, इसीलिए इसको बिंग बोलते हैं, बिंज। ठीक है, दिस इज यूज फॉर बैंडविथ पिंज। इट इज ए पॉइंट टू पॉइंट बैंडविथ मेजरमेंट टूल बेस्ड ऑन पिंज। इट कैन मेजर रॉ थ्रूपुट बिटवीन एनी टू नेटवर्क लिंक्स। पिंज डिटरमाइन द रियल थ्रूपुट ऑन ए लिंक बाई मेजरिंग इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इको रिक्वेस्ट, राउंड ट्रिप टाइम्स फॉर डिफरेंट पैकेट साइजेस फॉर ईच एंड ऑफ द लिंक। तो बिंज से आप किसी नेटवर्क के लिए ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका बुक ट्रैक। ठीक है, नेक्स्ट वन इज BUG, बुक ट्रैक। ये क्या करता है, दिस इज ए डाटाबेस ऑफ नोन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सप्लॉइट्स प्रोवाइडिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। तो ये एक डेटाबेस होता है जिसमें हमें पता रहता है कि वल्नरेबिलिटीज कहाँ कहाँ पे है, एंड इट एक्सप्लॉइट्स प्रोवाइडिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। ठीक है, एंड दिस सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो फ्री यूजेस। दिस सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फ्री यूजेस एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम द साइट securityfocus.com। ठीक, नेक्स्ट जो टूल है आपका एक्टिव अटैक्स में जो यूज होते हैं वो है आपका, जैसे बिंज हमने आपको बता दिया, नेक्स्ट इज डिग। ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3 5 5, ये है आपका डिग। डिग क्या होता है कि दिस इज यूज टू परफॉर्म डिटेल क्वेरीज अबाउट DNS रिकॉर्ड्स एंड जोन्स, एक्सट्रैक्टिंग कॉन्फिग्रेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट ए नेटवर्क और डोमेन। दिस इज ऑल्सो ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज DNS ट्रैकर, DNS ट्रेसर। ठीक, ये क्या करता है, दिस इज ए टूल टू डिटरमाइन द डाटा सोर्स फॉर ए गिवन DNS सर्वर एंड फॉलो द चेन ऑफ DNS सर्वर्स बैक टू द अथॉरिटेटिव सोर्सेस। तो ये सारे DNS सर्वर्स की डिटेल जो है और उसके साथ जो बैक में और सर्वर जुड़े रहते हैं उन सब की डिटेल आप इससे ट्रेस कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट ऐसे ही आपका DSniff, नेक्स्ट इज DSniff। ये क्या होता है कि दिस इज ए नेटवर्क ऑडिटिंग टूल टू कैप्चर यूजर नेम, पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन ऑन ए लोकल सबनेट।
मतलब लोकल सबनेट पे जो यूज़र है, जो उस सबनेट को यूज़ कर रहे हैं, उनके यूज़र नेम, पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन को, ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए ये DSNIP सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट इज़ अवेलेबल ऑन monkey.org वेबसाइट। ठीक, नेक्स्ट है आपका फाइल स्नैप। नेक्स्ट है फाइल्स NARF, नार्फ। दिस इज ए नेटवर्क ऑडिटिंग टूल टू कैप्चर फाइल ट्रांसफर्स एंड फाइल शेयरिंग ट्रैफिक ऑन ए लोकल सबनेट। तो फाइल ट्रांसफर और फाइल शेयरिंग जो ट्रैफिक है उसको कैप्चर करने के लिए फाइल स्नर्फ का यूज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड अवेलेबल ऑन monkey.org। नेक्स्ट है आपका फाइंड SMB, फाइंड SMB। दिस इज यूज टू फाइंड एंड डिस्क्राइब सर्वर मैसेज ब्लॉक सर्वर्स ऑन द लोकल नेटवर्क। तो सर्वर मैसेज ब्लॉक जो है लोकल नेटवर्क पे, उनको फाइंड आउट करने के लिए फाइंड SMB का यूज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड इट इज अवेलेबल ऑन us3.samba.org। नेक्स्ट इज FPIN। दिस इज अ यूटिलिटी सिमिलर टू पिंज यूज टू परफॉर्म पैरेलल नेटवर्क डिस्कवरी। ठीक है, जो पैरेलल नेटवर्क है उसको डिस्कवर करने के लिए आप FPIN का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड इट इज अवेलेबल ऑन fpinj.com। नेक्स्ट है आपका फ्रैग रूट। नेक्स्ट इज फ्रैग रूट। फ्रैग रूट सॉफ्टवेयर क्या करता है कि दिस इंटरसेप्ट्स मॉडिफाइज एंड री राइट्स एग्रेस ट्रैफिक डिस्टाइंड फॉर ए स्पेसिफिक होस्ट इम्प्लीमेंटिंग सेवरल इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इवेजन टेक्निक्स। तो ये जो फ्रैग रूट है ये क्या करता है कि जैसे कोई डाटा पैकेट जो है, कोई ट्रैफिक किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए जा रहा है, उसको इंटरसेप्ट करके, मॉडिफाई करके, उसको दोबारा से रीराइट करके और उसमें जो भी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है उनको इंट्रोड्यूस करके और दोबारा से वो उसको लिख के भेज देता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका फ्रैग रूट के बाद फ्रैग टेस्ट। फ्रैग टेस्ट सॉफ्टवेयर क्या काम करता है कि दिस टेस्ट द IP फ्रैगमेंट रिजेंबली बिहेवियर ऑफ द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्टैक ऑन ए टारगेट। इट इंटरसेप्ट मॉडिफाइज एंड री राइट्स एग्रेस ट्रैफिक डिस्टाइंड फॉर ए स्पेसिफिक होस्ट इम्प्लीमेंटिंग मोस्ट ऑफ द अटैक्स। ठीक, और ये दोनों सॉफ्टवेयर भी आपको monkey.org पे अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका हैक बॉट। हैक बॉट सॉफ्टवेयर जो होता है कि दिस इज ए होस्ट एक्सप्लोरेशन टूल सिंपल वल्नरेबिलिटी स्कैनर एंड बैनर लॉगर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड इट इज अवेलेबल ऑन freshmere.net। तो ये कुछ एक्टिव टूल्स होते हैं जो अटैकर्स हैं जब उन्हें एक्टिव एक्टिव अटैक करना होता है तो वो इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये अभी ये टूल्स पूरे नहीं हुए हैं, अभी और काफ़ी टूल्स बाकी हैं, लेकिन ये 13-14 टूल जो है ये हमने आज आपको बता दिए हैं। कमिंग वीडियोस में आपको कुछ और एक्टिव टूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये आज के वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।